खंडवा मध्य प्रदेश से विजय दशोरा जी हैं, वर्ण ब्राह्मण हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि वृद्धि सूतक के बारे में बताएं, क्या इस काल में श्रावणी उपाकर्म कर सकते हैं? लगभग पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार द्वारा सामूहिक आयोजन होता है जिसमें ब्राह्मण भोजन भी रहता है, क्या वह भी करवा सकते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि जनना शौच में वृद्धि शौच कहते हैं, वृद्धि सूतक, कि जिन सूतक में, सूतक माने तो स्पष्ट ही है, सुई प्रसवे धातु से सूतक शब्द बनता है, यानी किसी बालक की उत्पत्ति हुई हो, और वृद्धि यानी कुल की वृद्धि अथवा वृद्धि श्राद्ध वाला ऐसा कोई आशौच लगे जिसमें वृद्धि श्राद्ध होता हो। तो जब जन्म होता है तो जात कर्म में भी वृद्धि श्राद्ध यानी नांदी श्राद्ध की विधि है। तो इस दृष्टि से ये पूछ रहे हैं कि जनना शौच में जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को जनना शौच लगा हो, वे श्रावणी कर्म कर सकते हैं, अथवा परंपरा से या वैसे ही चला आ रहा ब्राह्मण भोजन आदि कृत्य कर सकते हैं क्या? ये इनका प्रश्न है। तो देखिए कि हर युग में आशौच की प्रक्रिया अलग थी और कलयुग में आशौच की प्रक्रिया अलग है। देखिए कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग 23वें अध्याय का 38वां श्लोक है कि शुद्धेत विप्रो दशा है ना, अन्य युगों में आशौच, जनना शौच या मरना शौच, दोनों ही 10 दिन में ब्राह्मण के यहां शुद्धि हो जाती थी 11वें दिन से। द्वादशायन भूमिपः, 12 दिन बाद क्षत्रिय की शुद्धि, और वैश्या पंचदशायन, 15 दिन बाद वैश्य की शुद्धि, और शूद्रो मासेन शुद्ध्यति, 1 महीने में शूद्र की शुद्धि शास्त्रों में बतलाई गई है। परंतु कलयुग में जनना शौच भी और मरणा शौच भी, दोनों आशौच की निवृत्ति चारों वर्णों के लिए 10 दिन में ही कही गई है, 11वें दिन वे शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा शातातप महर्षि का वचन है, निर्णय सिंधु में और धर्म सिंधु में बड़े विधिवत रूप से प्रतिपादित किया गया है। सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा दशाः क्षुद्रेतेषां मिति शातातपो ब्रवीत। महर्षि शातातप जी ने ये निर्णय दिया है कि सर्वेषाम एव वर्णानाम सूतके मृतके तथा, सूतक में या पातक में मृत्यु के समय पर, एतेषाम सर्वेषाम वर्णानाम, चारों वर्णों की दशाहीन शुद्धि, 10 दिन के बाद दशा हाथ शुद्धि एतेषाम, इन सभी की 10 दिन से 10 दिन के बाद शुद्धि हो जाती है। इति शाता तपो ब्रवीत, ऐसा महर्षि शाता तप ने कहा है। तो 10 दिन का तो आशौच रहता ही है, और आशौच में जो भी कर्म वर्ज्य हैं, कि किसी के यहाँ भोजन करना, किसी को अपने यहाँ भोजन कराना, किसी का स्पर्श करना, है ना, किसी भी पूजन आदि कार्य में, सामूहिक कार्य में प्रवृत्त होना, बहुत से शास्त्र में जो भी जनना शौच मरना शौच में निषिद्ध हैं, वे कर्म तो निषिद्ध ही रहेंगे, चाहे आशौच में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, तीनों कर्मों को बाधित कर दिया जाता है। नित्य कर्म को अति संक्षिप्त कर दिया जाता है। आशौच की संध्या का हमारे यहाँ विधान है कि वो आशौच की संध्या है, वो किस प्रकार करें, संध्या का कभी लोप नहीं है, वो अति संक्षिप्त कर दी जाती है। उसमें है कि प्राणायाम ममंत्रकम अमंत्रक प्राणायाम किया जाए, और मार्जनम नवा, मार्जन किया जाए अथवा न किया जाए, गायत्रीम सम्यक उच्चार्य सूर्यायार्घ्यम निवेदयेत, विधिवत गायत्री का उच्चारण करते हुए सूर्य को विधिवत अर्घ दिया जाए, और उपस्थान नहीं किया जाए, तथा गायत्रीम दशधा जपेत, 10 बार गायत्री का जप कर लिया जाए, इतने मात्र से संध्या
पूर्ण हो जाती है, ये अशौच की संध्या है। तो अन्य नित्य कर्मों का जो है व्यावर्तन हो जाता है, रोक दी जाती है, छोड़ दिया जाता है उनको। तो ये मतलब है, कहने का तात्पर्य जब अशौच में नित्य कर्म, काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों का ही जो है अवरोधन हो जाता है, रोक दिया जाता है, तो फिर ये भोजन कराना किसी को अथवा उपाकर्म करना ये कैसे हो पाएगा। तो फिर शंका होती है, तो क्या ये लोग जिनके कुल में अशौच लगा हो वे उपाकर्म नहीं करें? करें, ये नियम आगे भी लगेगा। अभी जैसे पितृपक्ष चलेगा, तो किसी परिवार के लिए यदि अशौच लग गया तो क्या वे पितृपक्ष में श्राद्ध कर सकते हैं? ये भी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समान है। तो वहां कर्मकांड के शास्त्रार्थ प्रकरण में लिखा हुआ है कि जिन बालकों को अशौच लगा हुआ है, जिन द्विजों को अशौच लगा हुआ है, वे द्विज उपाकर्म को अपने अपने नियत तिथि, यदि वो शुक्ल यजुर्वेदी है, सामवेदी है, या जो है ऋग्वेदी है, तो ऋग्वेदियों का जो उपाकर्म है वो श्रवण नक्षत्र में होता है, यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा तिथि में होता है, और सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। तो इस प्रकार जिस वेद वाले जो लोग हैं उनको अपने नियत काल में यदि अशौच लगा है तो अगले महीने में, यानी ये सब काल सिंह राशि के सूर्य में होता है उपाकर्म, न हो पाए तो कन्या राशि के सूर्य में ये सब कर्म करे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जैसे कि यजुर्वेदी है कोई और उसका श्रावणी पूर्णिमा में यदि जो है उपाकर्म नहीं हो पाता है, अशौच लगा है, अथवा प्रथम बार किसी का उपाकर्म हो रहा है जिस बालक का, और उस वक्त गुरु या शुक्र का अस्त है, तब भी प्रथम उपाकर्म के लिए निषेध किया गया है, तो वो उपाकर्म उसका आगे भाद्रपद की पूर्णिमा में होगा। ये है। इसी प्रकार यदि कन्यागत सूर्य में पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पर और किसी परिवार में यदि अशौच लगा हुआ है तो वह उसी तिथि में आगे वृश्चिक तुला राशि में, ये जो है तुला राशि के जब सूर्य आ जाए तब वो उसी तिथि में श्राद्ध करे। शास्त्र में लिखा हुआ है, खास रूप से धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में ये बात लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति को अपने पिता के श्राद्ध करने का नियत काल में यदि विस्मरण हो जाता है या वो अशौच के कारण वो जो श्राद्ध आदि नहीं कर पाता है, तो उसके पितर जो है तुला राशि के सूर्य जब तक नहीं हो जाते तब तक उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि शायद ये श्राद्ध कर देवे, अब कर देवे। तो कभी भी श्राद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि श्राद्ध के अवसर पर अशौच आदि लगा हुआ है तो अगले महीने की उसी तिथि में वो श्राद्ध होगा। इसी प्रकार श्रावणी आदि कर्म भी उस समय न हो करके अगली तिथि में, अगले महीने की और उसी तिथि में वो कार्य होगा, ऐसा जो है शास्त्रों का मत है, आचार्यों का आदेश है। हर हर महादेव।